ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर में भाजपा की जन हुंकार रैली का आयोजन किया गया। सांसद महंत बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस आज ही विधानसभा भंग कर चुनाव करा ले तो पता लग जाएगा कि कितनी सीटें आती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की रैली का अच्छा संदेश जनता में गया है। अलवर में भाजपा की जन हुंकार रैली संपूर्ण हो गई है। हमारे साथ अलवर सांसद महंत बालकनाथ हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते थे? क्या वो संदेश पूरा गया? क्या भाजपा एकजुट दिखी? देखिए, जन हुंकार रैली पूर्ण नहीं हुई है, ये तो शुरुआत हुई है और ये जनता की आवाज़ है, जनता की पीड़ा है। इस राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार का सत्ता लोभी शासन इन पिछले 3.5 वर्ष लगभग किया है और इसकी आवाज़ और इसका असर अगर आपको देखना है तो मैं आपके माध्यम से इस कांग्रेस सरकार को कहना चाहता हूँ कि कल ही विधानसभा भंग करें और चुनाव करवा कर देख लें। इनकी 2 डिजिट की आंकड़े तक की सीटें पार नहीं करेगी कांग्रेस और राजस्थान में कांग्रेस सुपड़ा साफ हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जो पूर्वी राजस्थान है जिसमें मेवात का इलाका भी आता है, यहाँ भाजपा कम सीट प्राप्त कर पाती है, इसलिए अलवर को चुना गया, इसलिए भाजपा उन सारे मुद्दों को जो पूर्वी राजस्थान से जुड़े हुए हैं उठाना चाहती है ताकि यहाँ अपनी जगह बना सके। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, अलवर जिले के अंदर 11 सीटें हैं, 11 की 11 सीटें कल चुनाव हो या 2023 में चुनाव हो, संपूर्ण 11 सीटें भाजपा जीतेगी और जीतती आई भी है। पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ बोलकर, यहीं अलवर की धरा पर झूठ बोलकर, ये झूठ के शासन पर बैठे हैं, ईमानदारी से शासन पर नहीं बैठे। जनता झूठ को मान लेती है, फिर 2 ही सीट दे पाई भाजपा को? जनता ने झूठ को, क्योंकि जिस प्रकार का इन्होंने झूठ बोला, जनता झूठ को मानती नहीं, जनता विश्वास करती है, विश्वास करती है इनकी बात पर। इनके बड़े नेता ने आकर यहाँ पर कहा कि मैं 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। सिर्फ अंतर कितना का है, चलो अलवर जिले के अंदर तो 2 ही सीटें आई बीजेपी की, लेकिन पूरे राजस्थान भर का या वोट परसेंटेज का देखें तो 0.2%, थोड़े से अंतर के कारण ये बने हैं और झूठ के शासन पर ये बैठे हैं। जो झूठ बोलकर बने हों वो कहाँ से जनता का न्याय करेंगे? लेकिन इस रैली में महंगाई और दूसरे बड़े मुद्दे थे, वो मंच पर किसी भी नेता द्वारा नहीं कहे गए। नहीं, महंगाई का बड़ा मुद्दा बार बार भारतीय जनता पार्टी रखती ना, आप लोग ने अपने हमारे पड़ोस में यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर डीजल जो है कि 14 से 15 रुपये सस्ता मिलता है और यहाँ पर राजस्थान में 14 से 15 रुपये महंगा मिलता है, तो क्यों नहीं गहलोत सरकार जो है कि अपना वैट घटाती, वैट डीजल पे दाम घटेंगे तो पूरे सभी वस्तुओं पर दाम घटेंगे। केंद्र भी तो नहीं घटा रहे हैं? केंद्र ने तो अपना घटाया ना, पीछे घटाया ना, अब यूक्रेन युद्ध के कारण अब दोबारा से परिस्थिति ऐसी बन गई तो उसका समाधान भी निकलेगा। आगे क्या रहेगा अभी, क्योंकि ये जनों का रैली हुई है? हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार त्यागपत्र दे और राजस्थान में स्वच्छ भाव से चुनाव हो और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हम तो ये चाहते हैं। भाजपा चुनावी मोड में राज तैयार है? भाजपा तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहता है, चाहे वो जिला पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो वार्ड पंची का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का और सांसद का चुनाव हो। यही भाजपा पर आरोप भी कांग्रेस लगाती है कि 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं, जनता का भला करेंगे चुनाव में? देखो, चुनाव के माध्यम से और चुनने के माध्यम से और सत्ता के माध्यम से ही भारत और जनता का कल्याण हो सकता है। जोधपुर वाली जो घटना है वो चुनावी मोड की वजह से? ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। कांग्रेस ने जो शुरुआत की करौली से, मैं आपको फिर कहता हूँ, करौली की घटना कांग्रेस की और देश के जो विरोधी ताकतें, दुश्मन देश हैं, उनका सुनियोजित दोनों का मिलकर प्रयास था इस तरह का माहौल पूरे देश में खड़ा करने का और आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। भाजपा की जन हुंकार रैली अलवर में पूर्ण हो गई और इसके बाद अलग अलग जिलों में और रैलियों का आयोजन होगा। अलवर में हुई कई घटनाओं को लेकर सांसद का कहना है कि अलवर को चुना गया ताकि यहाँ रैली की जा सके, लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति अपना रही है और अगर आज भी चुनाव करा लें तो भाजपा की सीटें ज़्यादा आएंगी और कांग्रेस सीट नहीं ला पाएगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।